ध्वजारोहण यात्रा बाबा के बाग बगीचा वाली माता मंदिर से निकाली गई। ध्वजारोहण यात्रा चौथी बार निकाली गई। ये यात्रा माता मंदिर से चलकर मेहंदीपुर बालाजी पर जाकर समापन किया जाएगा। ध्वजारोहण यात्रा में 101 कन्या को निशुल्क मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने ले जाया जा रहा है। माता मंदिर से चल समारोह चांद दरवाजा, पुरानी तहसील, मनशापुरन मंदिर, फूटा तालाब, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, बीच भंडार रोड और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राम राजा गार्डन पर सभी एकत्र होकर स्पेशल बसों के द्वारा केला देवी मंदिर होते हुए मेहंदीपुर बालाजी पर यह ध्वजारोहण कर यात्रा का समापन होगा। ध्वजारोहण यात्रा में हर बार श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर ग्वालियर, रायपुर, गुड़गांव, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु आए हैं। नगर में जगह जगह धर्म प्रेमी बंधुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मेहंदीपुर बालाजी में 4 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ध्वजा हमेशा बाबा के पास चढ़ाया जाता है। जो इस अभी तक नहीं चढ़ रहा था, हमारे जो मार्गदर्शक हैं जीतू यादव जी, तो उन्होंने ही इसको शुरुआत कराई है और माई का मार्गदर्शन है इसमें हमारे, और उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। जीतू यादव जी हैं आप, उन्होंने इस यात्रा को शुरू कराया है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और यहाँ से दूर दूर से आस्था है लोग बागों की, और ये काफ़ी मतलब क्या कहें, ये प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये राजा अग्रवाल जी, इनका ये कहना था कि बढ़ती जा रही है, माई के इतने भक्त होते जा रहे हैं कि अटूट ही उनका विश्वास भी इतना है कि जो जाता है वो खाली अब तो कभी आता ही नहीं है। और इस बार भी ये जो पहली ध्वजा माई के केला मैया पे जाएगी और फिर दूसरे दिन ये बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, और इससे आस्था लोगों की और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। जब 4 साल हम पहले थे तब बहुत कम, और आज की स्थिति में आप देखिए दिन दूनी चौगुनी बढ़ती जा रही है। समथिंग 4 दिन वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह 4 दिन का रहता है। तो 20 साल कीर्तन हो गया है, हाँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा आनंद मिलता है, और माई का दरवाजा सबसे जो भक्त में मन से जो क्षति चाहता है उसको पूरी तरह से मिलता है। और मेरी मन समझो हमको मतलब जो हमको नहीं कई जगह जो समाज के सारे लोग जो हैं सबके मन से आत्मा समझ जाते हैं और सबके मन से हमको मनाई इस यात्रा को माता का झंडा जाता है। तो यहाँ पर करौली जाता है, करौली गाँव से तो काला भी लाना जाते हैं, तो पहला जो झंडा चलता है भैया को चलता है यहाँ पर, उसके बाद वो बालाजी चलता है, तो वहाँ पर एक दिन करौली रहते हैं। यात्रा इसके बारे में शुरुआत हुई कैसे यहाँ से? बालाजी दरबार दिनारा में काफ़ी समय से चल रहा था, करीब करीब ये कोई 45 साल में चल रहा है, लेकिन यहाँ से जो बगीचा के पास में वहाँ भद्रकाली का बगीचा है, उनके मार्गदर्शन में ये जब चौथी ध्वजा यात्रा, पहली ध्वजा यात्रा में हमारी एक बस गई थी और वहाँ से जिसने जो मांगा वो मिला, और उसकी ये भी है और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज तक चलते चले।